नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अरे क्या हुआ भाई, यहां यूं क्यों पड़े हो? शिवा, ये लाश को ठिकाने लगा देना, एक्सीडेंट लगना चाहिए। बी केयरफुल। ऑपरेशन इज सक्सेस। वेरी गुड, चाहो वहीं रहो, माल तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। ओके। okay.
आखिर मैंने किया क्या है जो आपने मुझे थप्पड़ मारा सर? तुमने जो किया है उसे कहते हैं जिस थाली में खाना उसी थाली में छेद करना। पता पता शोरूम की गाड़ियों के पार्ट्स कब से चोरी करके बेच रहा है? सर इतनी छोटी चोरी के लिए इतनी बड़ी सजा मत दीजिए सर। चोरी चोरी होती है, बड़ी या छोटी नहीं। सर आपको मालूम है कि यहां से निकलने के बाद मुझे कहीं काम नहीं मिलेगा। यहां से निकल जा वरना पुलिस के हवाले कर दूंगा। कोई सबूत है आपके पास? क्या बोलता है सबूत क्या है? मिस्टर लाल इसे धक्के मार के यहां से बाहर निकाल दो। अरे अरे सुनो मेरी बात तो सुनो। मिस्टर अशोक आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, नेक्स्ट टाइम से आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। थैंक यू सर। आपसे जरूरी बात बोलना भूल गया था। कौन सी जरूरी बात? जरूरी अपॉइंटमेंट थी। कौन सा अपॉइंटमेंट? नेहा बिटिया की। ओ शिट। रूठ जाना तुम मगर रूठ के जाना नहीं। हाँ रूठ जाना तुम मगर रूठ के जाना नहीं। मैं मनाऊंगा तुम्हें साथ निभाना, तुम मेरा यूं ही रूठ जाना तुम मगर रूठ के जाना नहीं। रूठ जाना तुम मगर रूठ के जाना नहीं। हाँ धड़कनों में तुम बसी हो, तुम हो मेरी जिंदगी। हमसे ना नजरें चुराना, मर ना जाए हम कहीं। मुझको तुम दिल में छुपाना, तुम हो मेरी हर खुशी। आँखों में है चेहरा तुम्हारा, तुमसे है मेरी रोशनी। रूठ जाना तुम मगर रूठ के जाना नहीं। रूठ जाना तुम मगर रूठ के जाना नहीं। है मेरी यही ख्वाहिश तुम हमेशा साथ रहो। आ मेरे दिल की यही तमन्ना मैं सुनूं और तुम कहो। देखो ना कभी दूर जाना, हो ना ना मुझसे खफा। मैं हमेशा चाहता हूँ बस तुम्हें ही दिल रुबा। रंग तुम्हारे प्यार का चाहता हूँ जानशी। रूठ जाना तुम मगर रूठ के जाना नहीं। मैं मनाऊंगा तुम्हें
साथ निभाना, तुम मेरा यूं ही रूठ जाना, तुम मगर रूठ के जाना नहीं, रूठ जाना तुम मगर रूठ के जाना नहीं, रूठ जाना तुम मगर रूठ के जाना नहीं। रोहित बजाज, तूने मेरी जिंदगी खराब की है, छोड़ूंगा नहीं तुझे, बर्बाद कर दूंगा तुझे और तेरी फैमिली को। हेलो संजना, वेयर आर यू? हाय भैया, कहाँ से बोल रहे हो? बस जहाँ तुम्हारा शूट चल रहा है उसके बाहर खड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। बस भैया, लास्ट शॉट चल रहा है, 2 मिनट में आती हूँ। ओके, फैंटास्टिक। कुछ नहीं हुआ मुझे। भैया ये कौन था? मुझे पता नहीं कौन था, लेकिन तुम भाभी को कुछ मत कहना। ओके, कुछ नहीं हुआ मुझे। ओके, तुम चलो। संजना, याद है ना तुझे मैंने तुझे क्या कहा था? हाँ भाभी, मुझे अच्छी तरह से याद है कि आज आपका बर्थडे है और मुझे भैया को इस बार में बिल्कुल याद नहीं करवाना है। वेरी गुड। मैं देखना चाहती हूँ तुम्हारे भैया को मेरा बर्थडे याद रहेगा या नहीं। और इनके भैया आपका बर्थडे भूल गए तो? बहुत हो गया, आज के दिन तुम्हारे भैया पेट भूल गए तो तुम्हारे भैया की खैर नहीं। चलो वापस चलो। रोहित की गाड़ी नहीं है, यानी आज भी वो अपनी किसी जरूरी मीटिंग में होंगे। भाभी। आओ संजना। भाभी आप अंदर चलिए, मैं गाड़ी में से सामान लेके आती हूँ। ठीक है। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Neha, happy birthday to you. क्या लगा था मैं तुम्हारा बर्थडे भूल जाऊंगा?
I love you, Rohit. I love you, Rohit. क्या सोच रहे हो? यही सोच रहा हूँ कि अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं होती तो मेरा क्या होता? तुम क्या सोच रही हो? मैं भी यही सोच रही थी कि कहीं हमारे प्यार को किसी की नजर न लग जाए। इतना प्यार करती हो मुझसे? अपने आप से भी ज्यादा। सच? सच। I love you. I love you too. एक सेकंड। क्या हुआ? मैं अभी चेंज करके आती हूँ। जल्दी आना। बुजो, भौंक क्यों रहा है? अगर तू इसी तरह से भौंकता रहेगा तो मैं काम कैसे करूंगा? ओहो, यहां मंदिर गई है इसलिए भौंक रहा है। फिकर मत कर बेटा, वो थोड़ी देर में आ जाएगी। चल जा, जा। कहां ले जाना चाहता है? क्या है बाहर? एक मिनट फोन पे बात करने देगा। हेलो, यस, व्हाट? हेलो हेलो, शिट, मेरी गाड़ी में बम है। ये नेहा फोन क्यों उठा रही है? भैया, आप भाभी के मोबाइल पे कॉल कर रहे हो? भाभी तो यही भूल गई है मोबाइल। शिट। भैया, आप परेशान क्यों लग रहे हो? क्या हुआ? क्या हुआ भैया? किसी ने मेरी गाड़ी में बम रख दिया है और नेहा वही गाड़ी लेके चली गई। हाँ? मैं देखता हूँ। भैया, मैं भी आ रही हूँ। Oh!
एक्सक्यूज मी यस रेट आई यू वहां थर्ड फ्लोर पे थैंक यू थैंक्स आओ संजना एक्सक्यूज मी मैं रोहित बजाज हाँ मैंने ही आपको फोन किया था आपकी वाइफ 5 नंबर वार्ड में है थैंक यू नेहा भाभी अरे आप लोग इतना घबरा क्यों रहे हो मैं बिल्कुल ठीक हूँ क्यों डॉक्टर साहब जी बिल्कुल ठीक है और हाँ मिस्टर रोहित इंस्पेक्टर कदम आपसे बात करना चाहते हैं सेकंड फ्लोर के रिसेप्शन पे आपका इंतजार कर रहे हैं ओके थैंक यू संजना तुम भाभी का ख्याल रखना मैं अभी आता हूँ जी भैया एयरपोर्ट के रास्ते से होटल की तरफ जा रहा था अपनी टैक्सी में मैंने देखा कि एक गाड़ी पहाड़ के ऊपर से गाड़ी जा रही थी जैसे ही मैं वहां पहुंचा तो हेलो इंस्पेक्टर कंट्रोल हो चुकी थी मुझे मैं रोहित बजाज हेलो फिर मैं उस टर्न से आगे बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी वाइफ की जान बचाई जान मैंने नहीं बचाई जान विक्की साहब ने बचाई अजीब सी सिचुएशन है तो अगर ये नहीं पहुंचते तो आपकी वाइफ का बचना बहुत मुश्किल होता थैंक यू वेरी मच मिस्टर विक्की मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा अरे इसमें एहसान की क्या बात है ये तो मेरा फर्ज था और मुझे तो इस बात की खुशी है कि मुझे नेहा जी के किसी काम आने का मौका मिल सका आई मीन उनकी जान बचाने का मौका मिल सका ओके मिस्टर बजाज हम तहकीकात कर रहे हैं आप बेफिक्र रहिए गुड मुजरिम जल्दी पकड़ा जाएगा थैंक यू इंस्पेक्टर हवलदार चलो जी आइए मिस्टर विक्की मैं आपको अपनी फैमिली से मिलाता हूँ पता है भाभी हम कितना डर गए थे नेहा लो भैया भी आ गए यही है वो आदमी जिसने तुम्हारी जान बचाई है हेलो हाय हाय सो मिस्टर विक्की क्या मैं जान सकता हूँ कि आप इस शहर में कहाँ रहते हैं वेल फिलहाल तो मैं इस शहर में अजनबी हूँ ऐसे ही कुछ दिनों के लिए काम के लिए आया था देखिए आते ही मुझे एक नेक काम करने का मौका मिल गया अब भला किसी की जान बचाने से अच्छा और क्या हो सकता है बिल्कुल ठीक कहा आपने पर अब आप इस शहर में अजनबी नहीं है वो कैसे अगर आपको एतराज ना हो तो अब हमारा घर आपका घर है आप जब तक चाहें हमारे घर में रह सकते हैं तो हमें बड़ी खुशी होगी नहीं नहीं मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता प्लीज इनकार मत कीजिए नहीं तो हमें बहुत बुरा लगेगा प्लीज चलिए ठीक है अब आप लोग इतना प्यार से कह रहे हैं तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ चलिए ऐसा कभी करता नहीं है I'm fine. पता नहीं इसे क्या हो गया वो क्या कि बचपन में मुझे किसी कुत्ते ने काट लिया था तब से मुझे मुझे छोटे छोटे पिलो से भी डर लगता है रिलैक्स रिलैक्स कुछ नहीं होगा आओ मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाता हूँ मैं बच गया पास कीजिए प्लीज थैंक्स सॉरी गाइस आई एम लेट हाय 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 हेलो एक्सक्यूज मी एक्सक्यूज मी आई एम सो सॉरी वो क्या है ना भाभी की तबीयत ठीक नहीं है इट्स ओके व्हाई डोंट यू स्टार्ट फूड श्योर हियर लेट मी हेल्प यू चल चल बंद करो इसे चल क्या है बे गुड़ क्या है बे चल
सिगरेट दे जल, सिगरेट दे। अबे देना यार, क्यों दिमाग की बत्ती बना रहा है अभी? दे। मुबारक हो, पकड़ लिया? ले, सिगरेट पी। ये ख्वाहिश भी पूरी कर देते हैं, फिर बाद में मौका मिले या ना मिले। हवलदार आंखें दिखाता, थानेदार सिगरेट पिलाता। बढ़िया है, ले। इसे क्या मांडवाली का इशारा समझूं मैं? खान, खान तुम्हें ड्रग्स माफिया के खिलाफ एक्शन लेने की परमिशन किसने दी है? मेरे फर्ज ने, मेरे ईमान ने, मेरी आत्मा ने। अब तो इसको टॉर्चर रूम में ले जाना पड़ेगा सर। हाँ, थोड़ा बहुत सीख सके। यू आर अ पुलिस ऑफिसर इंस्पेक्टर खान, और मेरी परमिशन के बिना तुम कोई भी डिसीजन नहीं लोगे। माफ कीजिएगा सर, एक्शन तो अब हो चुका। लुक लुक इकबाल खान, जोश में होश मत गवाओ। देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, मुझे ऊपर से ऑर्डर आया है। ऑर्डर तो मुझे भी ऊपर से आया है सर, फर्क सिर्फ इतना है कि आपको किसी मिनिस्टर से आया होगा, मुझे मेरे अल्लाह ताला से आया है। खान! जी सर, वो नायक को ऊपर भेज दिए सर। क्या तुम जानते हो कि अपने सीनियर्स के ऑर्डर ना मानने का नतीजा क्या होगा? सर, 20 साल की नौकरी में 32 बार ट्रांसफर हो चुका है, 33वीं बार हो जाएगा तो फर्क क्या पड़ता है? बस बच्चों का स्कूल ही तो चेंज करवाना है। तुम मंदिर में क्यों नहीं आते? मेरी एक चीज थी जो मुझे बहुत प्यारी थी, इसने मुझसे वो छीन ली। मेरी भी जिद है कि अब आऊंगा तो उसे साथ लेकर ही आऊंगा। गुड, तुम्हारा कॉन्फिडेंस देखने के बाद मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि एक दिन तुम जरूर कामयाब होगे। हाँ रोहित, जीने के लिए कामयाब होना ही पड़ेगा। अभी आता हूँ। ये सब तशरीफ रखिए, कहिए। मेरे हस्बैंड के ऊपर अटैक पर अटैक हो रहे हैं, लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। पुलिस अब तक अपराधी का नाम तक नहीं बता पाई है, क्यों? पहले मेरी कार में बॉम्ब रखे मुझे उड़ाने की कोशिश की गई, और अब मुझे कोई गोली से मारना चाहता है, लेकिन वो है कौन अब तक पुलिस पता नहीं लगा सकी। रोहित बजाज जैसे बड़े आदमी के साथ आप ऐसा बर्ताव कर रहे हैं तो आम आदमी का क्या होगा? अरे कहाँ है आपका फर्ज? आप इंस्पेक्टर खान के फर्ज पर उंगली उठा रहे हैं, तो सुनिए, मेरा फर्ज मेरा ईमान है, और अपने फर्ज की खातिर इतनी तहकीकात कर चुका हूं कि जिससे आप पर अटैक करने वाले का पता तो चलेगा ही, साथ ही मरहूम मिस्टर बजाज की मौत का किस्सा भी खुलेगा। उनकी मौत तो एक्सीडेंट में हुई थी। दुनिया की नजरों में वो एक एक्सीडेंट था, लेकिन मेरे इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से इट वॉज ए मर्डर। एक एक कड़ियां जुड़ती जा रही हैं, और आप लोग कहते हैं कि पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठी है। पुलिस वाले भी इंसान होते हैं, खुदा नहीं जो यूं चमत्कार कर दें।
एनीवे, हम तो आपके नौकर हैं और सरकार के। आपकी किसी से कोई जाती दुश्मनी या फिर कभी किसी ने आपको मारने की धमकी दी? हाँ, मेरी कंपनी में एक वर्कर था जिसे कुछ दिन पहले मैंने निकाल दिया। मुझे उस पर शक है। उसका नाम? रघु, रघु पाटकर। बोल, तूने खन्ना का खून किया है और रोहित बजाज पर जानलेवा अटैक। बोल। मुझे मुझे मत मारो साहब, मैंने किसी का खून नहीं किया, सिर्फ चोरी की है। कार में कोई बम नहीं रखा, लेकिन खूनी नहीं हूं, खूनी नहीं हूं साहब। पक्का लगता है। उधेड़ो उधेड़ो। थर्ड डिग्री बंद कीजिए इंस्पेक्टर साहब, रघु की कोर्ट से जमानत हो गई है। ये रहे व्हील के पेपर। शहर के जाने माने बिजनेसमैन मिस्टर लालवानी खुद चलकर एक मामूली से वर्कर को बचाने के लिए आए, छोड़ना तो पड़ेगा ही। सावंत। जी साहब। छोड़ दे साले को। सब सब बहुत मारा साहब। थैंक यू इंस्पेक्टर। आओ। या? तुम यहां क्या कर रही हो? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा था। कपड़े में दम सा घुट रहा था, इसीलिए मैं यहाँ चली आई। उसे कुछ छुपाओ मत। नहीं। तुम्हारी आंखों से निकले आंसू मुझे बता रहे हैं कि तुम उसे कुछ छुपा रही हो। डैडी जी की याद बहुत आ गई। उनकी मौत एक्सीडेंट से नहीं बल्कि उनका खून किया गया था, ये सोचकर दिल डूब सा गया है रोहित। पता नहीं आखिर वो कौन दुश्मन है जिसने मेरी डैडी की जान ले ली है और अब तुम्हारे पीछे पड़ा है। ऊपर वाले पर यकीन रखो, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा और वैसे भी पुलिस उसे ढूंढने की कोशिश कर रही है। निकलो, चल। बोल, तू नहीं रोहित बजाज की गाड़ी में बॉम्ब रखा था? बोल। नहीं सर, मुझे कुछ नहीं मालूम साहब। चला, आ बैठ। बोल, बॉम्ब तू नहीं रखा था? नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। वो तो मुझे मालूम है। सावंत। जी साहब। कसम, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया। ले सिगरेट पी। साहब मैं सिगरेट नहीं पीता साहब। पीना भाई। रिलैक्स। बता, तूने किया है कि नहीं? नहीं साहब, मैं कुछ नहीं जानता साहब, मैं कुछ नहीं जानता साहब। सभी क्या कह रहे साहब? सभी क्या कह रहे साहब? साहब मत कर साहब, साहब मत कर साहब, साहब मत कर साहब। या तेरा अल्लाह या मेरा अल्लाह। अब बोल, किया था कि नहीं? कितना पैसा लिया था तूने? बता, किया था कि नहीं? साहब मैं कुछ नहीं जानता साहब। साहब साहब मैं कुछ नहीं जानता साहब। बॉम्ब रखने का कितना पैसा लिया था? साहब साहब 1,00,000 रुपए साहब। किसने दिया था? साहब साहब कसम खुदा की साहब
साहब, मैंने उस आदमी का चेहरा नहीं देखा साहब, पर हाँ साहब, साहब एक बार उस आदमी का फोन जरूर आया था साहब। झूठ बोल रहा है तो? नहीं साहब, खुदा की कसम साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा साहब। साहब जब मैं सच बोल चुका हूँ साहब, जब मैं अपना जुर्म कबूल कर चुका हूँ साहब, तो साहब मैं उस आदमी को बचाने की कोशिश क्यों करूंगा साहब? साहब जिस आदमी ने मुझसे इतना बड़ा गुनाह कराने की कोशिश की साहब, हाँ साहब मैं सच बोल रहा हूँ साहब, ये तो इनोसेंट है। हाँ साहब, हाँ साहब, इसने उसको नहीं देखा? नहीं साहब, अल्लाह का कसम ये कुछ नहीं जानता। चल इसको जाने दो। हाँ साहब, शुक्रिया साहब। चल साहब, खुदा आपको बरकत रखे साहब। अल्लाह हाफिज़ साहब, खुदा आपको बरकत रखे साहब। चल चल चल, आपके आपके बच्चे खूब ये साहब। या अल्लाह, बिजनेस की दुनिया में जिस रोहित को आपने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, उसी रोहित ने आपसे कम रेट में स्पेयर पार्ट्स बेचकर आपको बर्बाद कर दिया। सच कह रहे हो, रोहित बजाज जब तक जिंदा है तब तक मेरी बर्बादी तय है रघु। अगर आप मुझ पर यकीन करते हैं तो समझिए रोहित बजाज की बर्बादी शुरू हो गई। उसने पहले मुझे जलील करके काम से निकाला और ऊपर से पुलिस से मेरी धुलाई भी करवाई। अब ना वो घर का रहेगा ना घाट का। गुड, वेरी गुड। संजना, अभी ऊपर आ जाओ। जी भाभी। जाने जा यो माय लव, यो माय लव, माय लव। जाने जा यो माय लव, यो माय लव। जाने जा यो माय लव। जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ, डोंट यू डेयर टर्न योर बैक ऑन मी। भाभी, आज तक भैया ने मुझे किसी बात पर रोका नहीं और आप है कि मेरे पीछे पड़ी हो। व्हाई डिड यू लीव मी जस्ट अलोन? अपनी शर्म के साथ तुम तमीज खोती जा रही हो। मैं जैसी हूँ वैसी ठीक हूँ। आप आपका काम कीजिए, मुझे अपना काम करने दीजिए। डू यू गेट इट? आई एम सॉरी। डोंट यू टच मी। संजना, जस्ट गेट आउट। संजना, आई एम सॉरी। जस्ट गेट आउट ऑफ माय रूम। गेट आउट। मैं भाभी की साइड नहीं ले रही हूँ। विकी, लेकिन भाभी ने विकी तेरे भले के लिए। इसलिए मैं तुझे बाद में मिलती हूँ। ओके बाय। अरे सुन तो, विक्की की पिक्चर्स भाभी के साथ? नहीं।
अंजना ने अपना मोबाइल स्विच ऑफ क्यों कर दिया है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या क्या उसे पता नहीं कि हम उसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? उसके लिए परेशान है? उसके लिए मैं भी परेशान हूँ। वो किसी अपनी फ्रेंड के यहाँ गई होगी, वो आ जाएगी। रोहित, संजना मेरी बात तो सुनो। इसे क्या हुआ? ये इतनी टेंस क्यों है? एक मिनट, मैं देखता हूँ। नहीं रोहित, तुम मत जाओ, मैं उससे बात करती हूँ। क्या बात है संजना, तुम इतनी अपसेट क्यों हो? मुझे बताओ, आखिर तुम्हें हुआ क्या है? बोलो, क्या बात? ना ही मुझे तो अच्छा है। क्यों? मैंने कहा ना भाभी, जाने दीजिए, लेकिन आपको फिर भी सुनना है तो सुनिए। आपको और विकी का, भाभी आपको और विकी का क्या संबंध है? विकी, आज आपके चेहरे से नकाब उठ चुका है जो आपने बरसों से छुपा के रखा था। संजना, चिल्लाइए मत, चीखने चिल्लाने से कोई सच झूठ में नहीं बदल जाएगा। क्या कह रही हो तुम? मैं जो भी कह रही हूँ वो हकीकत है। विकी, नेहा, तुम्हें यहाँ आना नहीं चाहिए था। तुम डरो मत, वो सिक्योरिटी वाले मुझे अंदर नहीं आने दे रहे थे। नहीं, मैं खिड़की कूद कर अंदर आ गया। तुम भगवान के लिए समझते क्यों नहीं हो? मुझे भूल जाओ विकी, ये शादी टल नहीं सकती। टल नहीं सकती मतलब? ये कैसी बातें कर रही हो तुम नेहा? प्लीज यहाँ से चले जाओ। मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं वो गरीब विकी नहीं रहा हूँ, मैं भी अमीर हो गया हूँ। मैंने भी बहुत पैसा कमा लिया, कह देना अपने पापा से। अब उन्हें हमारी शादी करानी पड़ेगी नेहा। पापा मर जाएंगे विकी, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्यों अजीब अजीब बातें कर रही हो तुम? हम आपस में प्यार करते हैं एक दूसरे को। मुझे माफ कर दो विकी, मुझे माफ। पागल जैसी बातें मत करो नेहा, इससे पहले कि तुम्हारे पापा यहाँ आ जाए। तुम्हारे पापा आ गए। नेहा चले जाओ यहाँ से। नेहा चले जाओ। नेहा दरवाजा खोलो, ये गलत है। नेहा, नेहा दरवाजा खोल, तोड़ दो। तुम्हें मुझे भूलना ही पड़ेगा। तुम्हारे पापा हमें अलग मत करना सर। नेहा इधर आओ। पकड़ लो इसे। शट अप और मारो इसे जब तक ये मर न जाए। चलो जान से मारो मुझे, छोड़ दो इसे। एक बार कहता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करती हो। मर जाएगा पापा, छोड़ दो इसे, वो मर जाएगा पापा। नेहा मेरी इज्जत अब तुम्हारे हाथों में है, तुम्हारी बारात आने को। तुम कहो तो मैं अपनी पगड़ी उतार कर तुम्हारे पैरों में। नहीं डरी, आप जैसे चाहेंगे वैसा ही होगा। एक तो इसे किसी ऐसी जगह जहां कोई इसकी लाश भी ना देख सके। नेहा, आज तुमने मुझे अपना अतीत बताकर अपने दिल का बोझ तो हल्का कर लिया। यही बात अगर तुम मुझे पहले बता देती तो शायद मुझे इतनी तकलीफ नहीं होती जितनी मुझे अब हुई है।
तुम्हारे दिल को जो मैंने ठेस पहुंचाई उसके लिए मुझे माफ करोगे या नहीं ये मैं नहीं जानती, मगर इतना जरूर यकीन करना कि मेरा प्यार सच्चा है। प्यार? प्यार भरोसे का दूसरा नाम है और वो तुमने तोड़ दिया है। अफसोस तो मुझे इस बात का है कि आज तक तुमने मुझसे अपना अतीत छुपा के रखा और मैंने कहा था झूठ बर्दाश्त नहीं है, मुझे नहीं है बर्दाश्त। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी। विकी की जिंदगी से निकलने के बाद तुम्हें पाकर मैंने दुनिया की तमाम खुशियों को पा लिया था और तुम्हें खोने के डर से मैंने जुबान पर ताला लगा दिया था और हकीकत बताकर मैं उन खुशियों को खो न दूं, अपनी जिंदगी को न खो दूं, अपनी जिंदगी को। फेंक दो इसे किसी ऐसी जगह जहां कोई इसकी लाश भी ना देख सके। मुझे भूल जाओ विकी, ये शादी टल नहीं सकती। पापा मर जाएंगे। कौन है वहां? कौन है? कौन है? कौन है तुम? मैं तेरा दोस्त हूं, तुझे तेरी मोहब्बत से मिलवाने आया। तू मुझे पहचानता ही नहीं है? पहचानता ही नहीं? ऐसी देर करेगा ना तो नेहा को खो देगा। नहीं 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 प्लीज ऐसा मत बोलिए। नेहा को खो देने का मतलब है अपनी अपनी जिंदगी को खो देना। प्लीज ऐसा मत बोलिए आप। जब तक रोहित जिंदा है नेहा तुझे नहीं मिलेगी। नेहा चाहिए तो रोहित को खत्म कर डाल। नेहा चाहिए ना? हाँ हाँ चाहिए। फिनिश। रोहित को मारने से मुझे नेहा मिल जाएगी? अबे ज्यादा मत सोच, जितना बोला उतना कर। चल चल मारो उसे। चल चल। क्या करूं मैं? क्या करूं नहीं, मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूं, किसी को भी मार सकता हूं मैं। सोते उठते जागते हर घड़ी हर पल मुझे तुम्हारा चेहरा नजर आता है। और जब भी इस रोहित की बाहों में तुम्हें देखता हूं तो मेरे दिमाग की नस फटने लगती है। रोहित को मार दूंगा, मैं रोहित को मार दूंगा। मार दूंगा उसको। रोहित ये भैया का फोन क्यों नहीं लग रहा है? आए, 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 आए। भैया का मोबाइल भी ना। शिट। हाँ।
बैठा रहे। सुन लिया ना? सुन लिया ना? क्या सुन लिया? यही कि मेरी असलियत क्या है? नहीं तो वेरी बैड। ऐसे छुप छुप के किसी की बातें नहीं सुननी चाहिए। वेरी बैड। अब तुम्हारा जिंदा रहना मेरे लिए मौत का कारण बन सकता है। नहीं। तुम्हें मरना होगा। नहीं। तू मर जा तो मैं बच जाऊंगा। तू मर जा। नहीं। मर गई होगी। कितनी ऊपर से गिर गई बेचारी। कोई बात नहीं, माँ कहती है सबको एक दिन ऊपर ही जाना है। Try my best. पेशेंट अब खतरे से बाहर है। कल सुबह तक उनको होश आ जाएगा। आप अगर चाहें तो देख सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। दैट्स ऑल राइट। थैंक यू। ये मेरा फैमिली मैटर है, तुम्हारी यहां कोई जरूरत नहीं। सुनो प्लीज नेहा, मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो।
खुशी के बिखर गए अरमा सारे उजड़ गए दिल में है गम का दरिया अपने साए बिछड़ गए हाय रंग खुशी के बिखर गए अरमा सारे उजड़ गए दिल में है गम का दरिया अपने साए बिछड़ गए ना दर्द रुके बस तड़पे जिया क्यों मिलकर भी लुट गई दुनिया क्यों जुदा किया मुझे ओ मेरे रब्बा तू ये बता रब्बा टूटे जैसे तारा छूट गया मीत मेरा क्यों रूट गया यादों में उसका पहरा साया अब ये छूट गया है मेरा मुकद्दर छूट गया मीत मेरा क्यों रूट गया यादों में उसका पहरा छूट गया क्यों अनजाने में कुसूर हुआ क्यों वक्त बड़ा मगरूर हुआ क्यों चूर हुआ दिल ओ मेरे रब्बा तू ये बता रब्बा तू ये बता टूटे जैसे तारा प्यार मेरा किस्मत में थी क्यों ये जुदाई छूटा यार मेरा क्यों अश्क बहे खो गई खुशियाँ क्यों बनकर भी बिगड़ी दुनिया क्यों जख्म दिया मुझे ओ मेरे रब्बा तू ये बता रब्बा तू ये बता टूटे जैसे क्या हुआ? क्या हुआ बोलो। भैया मुझे बहुत डर लग रहा है भैया। क्या हुआ? भैया वो विकी। विकी? भैया वो विकी। क्या हुआ था बोलो। आपको मार डालेगा भैया। और मुझे भी मार डालेगा भैया। क्या हुआ था? भैया वो विकी। हाँ बोलो। बोलो। वो विकी ने मुझे छत से धक्का मार दिया था। क्या? भाभी। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। भैया। इंस्पेक्टर साहब ये आदमी जबरदस्ती मेरे घर में घुस के मुझे मार रहा है अगर आप समय पे नहीं आते ये मुझे जान से मार देता मिस्टर रोहित मैं आपको गिरफ्तार करने आया हूँ गिरफ्तार इसे करिए सर ये आदमी खूनी है तो क्या बात है ये गिरफ्तार करिए इसे इसका फैसला अदालत करेगी ले चलो इसे सर नाटक कर रहा है ये मेरी अबे कितना मारा है अबे
मिलोर्ड, मेरे क्लाइंट विकी सिन्हा बड़े ही नेक, सुलझे हुए और पढ़े लिखे इंसान है, और इन्हें मिस्टर रोहित बजाज ने परेशान कर रखा है, और कल रात इन्होंने तो हद ही कर दी। कल रात मिस्टर रोहित मिस्टर विक्की के घर में घुसे और मेरे क्लाइंट को इतना मारा कि वो खुद खड़े रहने के काबिल नहीं रह सके। ऑब्जेक्शन मिलोर्ड, मेरे फाजिल दोस्त सरासर झूठ का सहारा लेकर अपने क्लाइंट को बचाना चाहते हैं। सच तो यह है मिलोर्ड, मिस्टर विक्की सिन्हा जिन्होंने मेरे क्लाइंट रोहित बजाज को परेशान कर रखा है, जीना हराम कर रखा है इनका। आई ऑब्जेक्ट मिलोर्ड, मिलोर्ड मेरे काबिल दोस्त झूठ बोल रहे हैं और झूठ के इल्जाम में मुझे खामखा फंसा रहे हैं। ये तो वही बात हुई मिलोर्ड, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मिलोर्ड, मिस्टर विक्की ने मिस्टर रोहित के खिलाफ पहले से ही पुलिस में कंप्लेन दर्ज की थी। इसमें उन्होंने साफ साफ बताया था कि मिस्टर रोहित बार बार उनको जान से मारने की धमकी दे रहे थे, इसीलिए पुलिस ने ट्रैप बनाया और उसी ट्रैप में मिस्टर रोहित मारपीट करते हुए सबूत के साथ पकड़े भी गए। मिलोर्ड, ये आदमी बहुत बड़ा चालाक है, इसने बड़े बड़े गेम खेले हैं, ये फ्रॉड है, चीटर है, बेईमान है, दुनिया का सबसे बड़ा चालबाज आदमी है। मिलोर्ड, मेरे काबिल दोस्त अदालत को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे मिस्टर विक्की तो नेक दिल इंसान है, उन्होंने मिस्टर रोहित की बहन को तक बचाने की कोशिश की थी। इतना ही नहीं, उनके घर के नौकरों ने भी बयान में यही कहा है। वेरी गुड, वेरी गुड, बाबा वकील साहब, बाबा आपके झूठ का जवाब नहीं। मिलोर्ड, सच तो यह है कि विक्की सिन्हा ने रोहित बजाज की बहन को धक्का देकर मार डालने की कोशिश की, मार डालने की कोशिश की। गलत, यह गलत है मिलोर्ड, सरासर झूठ है। अगर विक्की ने चिल्ला चिल्ला कर नौकरों को ना बुलाया होता तो मेरे क्लाइंट को मिस्टर रोहित ने फंसा ही दिया होता। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है सर कि मिस्टर रोहित किस जन्म की दुश्मनी निकाल रहे हैं इनसे। That's all, my lord. आपको और कुछ कहना है मिस्टर श्रीवास्तव? No, my lord. अदालत ये जिरह सुनने के बाद इस नतीजे पर पहुंची है कि मिस्टर रोहित बजाज मिस्टर विक्की से 500 मीटर की दूरी पर रहें। नेहा, तू कसूरवार है, तूने इस घर की शांति छीनी है। रोहित जैसे पति का सुख और चैन छीने वाली तू ही है नेहा। अब तुझे जीने का कोई हक नहीं है, हाँ कोई अधिकार नहीं है। छोड़ो से, छोड़ो मुझे, छोड़ो। इतना बड़ा कदम उठाने से पहले कम से कम ये तो सोच लिया होता, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं कैसे जीता। अच्छा हुआ मैं वक्त पे घर आ गया, वरना आज अनर्थ हो जाता। इस घर से एक नहीं तो लाशें जाती। नहीं ऐसा मत कहो रोहित। क्यों ना बोलूं, हाँ क्यों ना बोलूं, तुमने क्या मुझे इतना खुदकर समझ रखा है? तुम्हारे बगैर मैं अकेले जिंदगी गुजार लेता। मुझे माफ कर दो रोहित। आज बहुत जरूरी बात करने तुझसे, आराम से आज आज आज। अरे क्या हुआ? छोड़ दो, घबरा क्यों रही है तुम? मैं हूँ मैं विक्की। अरे क्या हुआ नेहा? मैं हूँ मैं। अरे नेहा मैं हूँ मैं कोई अजनबी थोड़ी हूँ, मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। नफरत करती हूँ? ये कैसी बच्चों जैसी बातें कर रही है यार, अजीब पागल है तू। लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। ये कैसी कैसी बातें कर रही है? छोड़ो मुझे। देख तेरी आंखों में, देख मेरे लिए कितना प्यार है, देख। प्लीज छोड़ो, छोड़ो नहीं। अरे मैं भी क्या बेकार की बात कर रहा हूँ, देख, देख मैं तेरे लिए क्या, देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ, शादी का कार्ड। हमारी शादी का कार्ड, हमारी शादी। तू अपनी मर्जी से डेट भर ले इसमें, अपनी मर्जी से डेट भर ले, भर दे। इतना घबरा क्यों रही है पागल? ओ
रोहित से डर रही है ना, तो इसमें डेट लिख दे, मैं रोहित को उस हिसाब से मार दूंगा। डेट लिख दे। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। हाँ जा 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 जा, लेकिन लेकिन शादी के बाद मैं तुम्हें अपने दिल में बसा के रखूंगा, कहीं नहीं जाने दूंगा। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। किसे बुला रही हो? कोई नहीं है यहाँ। अरे मैं हूं ना तुम्हारी रक्षा करने के लिए यहाँ, तुम्हें और कौन बचाएगा यहाँ? मैं हूं ना। मीम साहब, क्या आपको मदद चाहिए? वो बचाओ। मगर तू मदद करेगा, तू मदद करेगा, मदद कर, देख देख चिल्ला रही है वो, मदद कर। नीचे आता है नेहा, नेहा भगा दिया ना, भगा दिया। मालूम है तेरे को शादी की बात चल रही थी, मालूम है। उठ, चल मदद कर, चल। मदद करेगा, ए कोई मदद करे इसकी। मुझे मार डालेगा, वो मुझे मार डालेगा। कौन तुम्हें मारेगा? हाँ, कौन तुम्हें मारेगा? विकी, और तुम्हें कहाँ मिला? जब मैं मॉल से पार्किंग आई, वो मुझे मिला, वो मुझे हासिल करने के लिए तुम्हें मार डालेगा। कुछ नहीं होगा, तुम डरो मत, मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ, ओके? हेलो इंस्पेक्टर दुष्टे स्पीकिंग, तुम कौन? मैं रोहित बजाज बोल रहा हूँ। अरे वो तो मैं भी सुन रहा हूँ, अरे बार बार फोन करके पुलिस को परेशान क्यों कर रहे हो? विकी ने मेरी वाइफ को इतना डरा दिया है कि वो अभी तक रो रही है। अरे अरे तो रोने दो, अरे रोने से दिल हल्का हो जाता है और उसके दिमाग से विकी का डर भी निकल जाएगा। उसने तुम्हारी बीवी को कोई तकलीफ तो नहीं पहुंचाई ना? जी नहीं। अरे पहुंचा भी कैसे सकता है, हम पुलिस वालों के होते हुए। एक बात कान खोल के सुन लो, अपनी बीवी को सच धज के बाहर मत जाने दिया करो। क्या मतलब? अरे इस देश में बहुत से भूखे भेड़िए हैं जो चिपक लेंगे। अरे मजा वो लेते हैं, भुगतना हमें पड़ता है, समझ गया? लेकिन हेलो, यू बास्टर्ड, क्या हुआ रोहित? अगर मेरा बस चलता तो ये फोन मैं पुलिस इंस्पेक्टर के मुंह पे मारता, जो कुछ एक्शन लेने के बजाय मुझे कानून सिखाने की कोशिश कर रहा था। अब हम क्या करें? तुम डरो मत, कुछ नहीं होगा। अब लगता है मुझे ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। रोहित, क्या हुआ? विकी शायद यही है। विकी, ठहरो मैं देखता हूँ। काम करो। वो यही कही है? यहाँ पे कोई नहीं है। चलो।
रोहित संभल कर जाना। डोंट वरी, ध्यान से खिड़की दरवाजे अच्छी तरह से बंद करना और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन करना। या श्योर। ओके, और हाँ संजना का अच्छी तरह से ख्याल रखना। या ओके, बाय बाय। रोहित, तमाम बातें सुनने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि आपको परेशान करने वाला शख्स केवल चालाकी नहीं बल्कि वो कानून की कमियों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना अच्छी तरह से जानता है। मैं कुछ समझा नहीं। मेरा मतलब है उस शख्स का कॉन्फिडेंस ऐसा है जैसे उसने कानून में पीएचडी कर रखी हो। प्लीज थैंक यू। जब भी वो आपके खिलाफ कोई भी करतूत करने की कोशिश करता है तो कानून से बचने के लिए रास्ता पहले ही तलाश कर लेता है। तो क्या वो इसी तरह से हमेशा कानून की आंखों में धूल झोंकता रहेगा? हमेशा नहीं। मुजरिम कितना भी शातिर क्यों ना हो, कानून की गिरफ्त से वो बच नहीं सकता। बच नहीं सकता? वो शख्स खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ा रहा है। उस शख्स की वजह से मेरा और मेरे फैमिली का जीना हराम हो गया है। मिस्टर रोहित, हैव पेशेंस, हैव पेशेंस, प्लीज हैव पेशेंस। मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए ताकि मैं इस उलझे हुए केस की स्टडी कर सकूं और विक्की को फंसाने का तरीका भी सोच सकूं। एक्सक्यूज मी सर, दूसरी लाइन पर आपकी वाइफ का फोन है। हेलो, नेहा, नेहा, संजना, नेहा, ओह शिट, मेकअप बुझो, बुझो, ये सब कैसे हुआ? भैया, देखिए ना किसी ने बुझो को मार दिया। क्या? तैतीस बार, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूं तो तेरा ट्रांसफर पूरे 33 बार हो चुका है इकबाल। हाँ, लगता है ट्रांसफर के इस खेल में तुम तो हाफ सेंचुरी बनाकर रिटायर होने वाला है। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा तेरा। बस बस बस, थोड़ा सा बचा। पता नहीं मेरी तकदीर में क्या लिखा है, रिटायर होना या सस्पेंड होना। मैंने बिना केमिस्टर की इजाजत के नायक का इनकाउंटर कर दिया। कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। अरे खान साहब, हम दोनों एक ही बैच से निकले हैं। कुछ सालों की पुलिस की नौकरी के बाद मैं तो वर्दी का बोझ नहीं उठा सका और वर्दी छोड़कर प्राइवेट डिटेक्टिव बन गया। और जनाब आप, आहा, वर्दी की इज्जत सर आंखों पर उठाए, प्रेशर पे प्रेशर उठाए, फर्ज की खातिर चले जा रहे हैं। आप तो जनाब बस ग्रेट है। चलिए सीधर, मुझे किसी भी वक्त सस्पेंड किया जा सकता है। अगर कोई मेरा काम अधूरा छूट जाए तो तुम उसे पूरा कर देना। अबे यार, मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूं, बता क्या काम है। चल। विक्की नाम का एक ऐसा अपराधी है जो शक्ल से तो मासूम लगता है पर उसका इरादा उतना ही ज्यादा खतरनाक है। अच्छा, क्या चाहता है वो? एक मैरिड औरत को हासिल करना चाहता है जिसके लिए वो उस औरत के पति का खून भी कर सकता है, कभी भी किसी भी समय, कभी भी किसी भी समय। लेकिन जब तक मैं पुलिस डिपार्टमेंट में हूं उसके सामने एक दीवार बन के खड़ा हूं तो अधूरा काम वादा। अरे खान, मुझे पूरा विश्वास है हमेशा की तरह तू इस मुसीबत से भी निकलेगा। निकलेगा तू खान। चल, थोड़ा सा बचा। आज की रात में
जज्बात में थोड़ी सी प्यास है, थोड़ी सी आस है, सुनो जरा सुनो मेरी जुल्फों से, खेलो ना था बच्चा, तू चिंता मत कर, मैंने शादी की सारी तैयारी कर ली है, टेंट वाला, मिठाई वाला, सब कुछ रेडी है, तू बस शादी की डेट बता दे। नेहा, नेहा, रोहित, क्या हुआ? नेहा, 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 रामजादे अगर कानून ने मेरे हाथ नहीं बांधे होते तो मैं तुझे कुत्ते की मौत मारता। ऐसे क्या खतरा है बे? एक बार सामने आ, फिर तुझे बताता हूँ। आऊंगा ना, तेरे ही सामने आऊंगा, एक ही बार आऊंगा बस। अच्छा चल बोल, मेरी बीवी की शादी है। बोलना, मेरी बीवी की शादी है। हेलो, मिस्टर रोहित बजाज, इंस्पेक्टर खान बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए सर। खबरी नाना मुझे वो सीडी देने वाला है जिसमें नेहा के फादर की मौत लाइव कैप्चर की गई है। इसके बाद विक्की तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा। खबरी नाना, खबरी नाना, खबरी नाना, you
कहाँ है तू? अभी तो मैं जमीन पर हूँ। क्या हुआ? थोड़ी देर बाद खुदा के पास चला जाऊंगा। कुछ नहीं होगा तुझे। लेकिन मेरा एक अधूरा काम जरूर पूरा कर देना। पर कहाँ है तू? बताता हूँ। लेकिन पहले सुन। क्या पता? क्या हुआ? तेरे आने तक जिंदा रहूं या ना रहूं। क्या कह रहा तू खान? बोल। रोहित बजाज की मदद करना। हाँ? अभी अभी जो मुझ पर अटैक करके गया है। कौन करके गया? कहाँ है तू? वो सबूत रोहित को छोड़। खान, खान मैं आ रहा हूँ। तू मैं आ रहा हूँ। वो सबूत रोहित को छोड़। खान, खान कहा? खान, 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 अरे यार, थोड़ा पहले फोन नहीं कर सकता था तू? सारी गलती मेरी है। मैं अपनी वर्दी उतार कर तुझे अकेला छोड़ाया। आज तू मुझे ट्रांसफर आज तूने फाइनल ट्रांसफर करवा लिया। पूरा होगा यार, जो तुमने कहा है पूरा होगा। मैं उसे पूरा करूंगा, मैं उसे पूरा करूंगा इंस्पेक्टर खान, मैं उसे पूरा करूंगा। हाँ मिस्टर लाल, रोड पर मेरी गाड़ी बंद हो गई है, तो करके गैराज भिजवा दीजिएगा। टैक्सी पीछे का दरवाजा खराब है मैम साहब, आगे आ जाइए। बैंड्रा चलो। हाय नेहा। विकी? विकी, विकी छोड़ो। विकी स्टॉप इट, वरना एक्सीडेंट हो जाएगा। विकी प्लीज। वही तो मैं चाहता हूँ नेहा, अगर जीते जी नहीं मिल सके तो मर के मिल लेंगे। विकी तुम पागल हो गए हो क्या? हाँ मैं पागल हो गया हूँ। ओह नो, नो नहीं, यस, जीते जीते मेरा साथ नहीं दे सके, लेकिन मर के तो मेरा साथ दोगी ना नेहा? विकी प्लीज, बोलो ना नेहा। आई कांट स्टॉप इट, से यू लव मी, बोलो तुम मेरा साथ दोगे? आज से जहां जाइएगा हमें पाइएगा। बहुत बड़ी मिस्टेक कर चुके हो। जिस दिन सबूत हाथ लग गया सलाखों के पीछे हो गए। एक लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, मिस्टेक मान लो और अपने आप को सरेंडर कर दो। कम ऑन।
वॉचमैन सर, सर मेम साहब अभी तक नहीं आई। सर मेम साहब की गाड़ी तो बनकर आ गई लेकिन मेम साहब अभी तक नहीं आई। अच्छा ठीक है, ओके सर। ये फोन क्यों नहीं लग रहा है? रोहित, क्या हुआ? रोहित रो क्यों रही हो? मैं बताता हूं, होने को तो कुछ भी हो सकता था। वो तो मेरे सही टाइम पे आने से बहुत बड़ा हादसा टल गया। मायसेल्फ डिटेक्टिव श्रीधर। रोहित, विकी ने मुझे किडनैप कर लिया था लेकिन डिटेक्टिव श्रीधर ने किसी मसीहा की तरह मुझे आकर बचा लिया। मैं विकी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, खून कर दूंगा उसका। पानी सर से ऊपर जा चुका है। रोहित एक मिनट रिलैक्स। वो क्या है कि हर चीज का एक समय होता है। अगर जोश में आके अपना होश गवा बैठोगे तो नुकसान सिर्फ तुम्हारा होगा। तो मैं क्या करूं? पुलिस भी मेरी मदद नहीं कर पा रही है। गलत, तुम्हारी मदद करते करते इंस्पेक्टर खान शहीद हो गए। क्या? हाँ, अगर मिस्टर खान का मुखबिर हमें जिंदा मिल जाता तो मिस्टर खन्ना की फांसी की सीडी भी हमें मिल जाती। जब प्रूफ हमारे हाथ में होता तो फिर देखता कहां जाता वो। तो क्या डैडी का एक्सीडेंट विकी ने करवाया था? आई एम सॉरी बट सच यही है। अब विकी का नेहा को हासिल करने का जुनून अब उसके हाथों किसी भी शख्स का खून करवा सकता है। बट यू गाइस डोंट वरी, आई एम विद यू। अगर पुलिस को मालूम है कि मिस्टर बजाज को मारा विकी ने है तो फिर उसे गिरफ्तार क्यों नहीं करती? सबूत? अब सबूत तो चाहिए ना। विकी के खिलाफ एक ही सबूत था, वो सीडी। अब लगता है खान के मुखबिर के साथ उसने वो सबूत भी जला दिया। अब भैया कोई भी क्रिमिनल कानून से ज्यादा देर नहीं भाग सकता। वो जरूर एक दिन हमारी गिरफ्त में होगा। एंड दिस इज माय प्रॉमिस टू यू। अब मैं चलता हूं। बाय। ये सर। अरे भाई एक कॉफी मेरे लिए और एक कॉफी वो जो साहब टेबल पर बैठे हैं ना उनके लिए। ओके सर। सर कॉफी किसने मंगाया? वो साहब ने भेजी है। ये कॉफी आपने भेजी है? यप। थैंक्स पर मैं कॉफी नहीं पीता। कोई बात नहीं, बैठिए तो सही, बैठिए ना, चाय पी लीजिए। मैं अजनबी से कोई चीज नहीं लेता। भाई मैं जानता हूं तुम दिमाग से नहीं दिल से काम लेते हो और शायद इसीलिए एक ऐसी औरत के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद करने पे तुले हो जो मैरिड है, किसी की पत्नी है। तो मैं तो नेहा से प्यार करता हूँ ना। नेहा इज माई फर्स्ट एंड लास्ट लव। उसे हासिल किए बिना मैं एक पल भी नहीं बैठूंगा। मिस्टेक कर रहे हो। हमने तो सुना था प्यार अंधा होता है और आज देख भी रहा हूं और ये भी देख रहा हूं जिस खाई में तुम छलांग लगाने की कोशिश कर रहे हो वहां से जिंदा लौटना बड़ा मुश्किल है। खाई में तो जी अब मैं कूद चुका हूं। सही बात नेहा की, तो प्यार करने वाले अंजाम से नहीं डरते। विकी, विकी, रिलैक्स। रिलैक्स भाई, रिलैक्स यार। अच्छा मेरी बात को ध्यान से सुनो। देखो अगर किसी के बगीचे से कोई एक काम भी चोरी करता है ना तो कानून की नजरों में वो गुनहगार साबित होता है। फिर यार तुम तो किसी और की बीवी को हासिल करने का सपना बना बैठे हो। मिस्टेक, बिग मिस्टेक। मेरे और नेहा के बीच में कोई नहीं आ सकता और ये बात आप अपने दिमाग में अच्छी तरह से डाल लीजिए। तुम्हारा ये ख्वाब मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगा। विकी साहब जहां जाइएगा हमें पाइएगा। अरे हाँ यार मेरा बिल दे देना, अब ये अकाउंट तुम्हारा खुल ही चुका है, फिर हिसाब किताब कर ले। हाँ?
करेंगे, आपका भी हिसाब करेंगे। तो कोई नहीं है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो हमें मार डालेगा। वो घर आया, हमें मार डालेगा। तुम फिक्र मत करो। तुम दरवाजा अंदर से लॉक कर लो। मैं बाहर देखता हूँ। संभाल कर जाना। मिस्टर डिटेक्टिव, आप यहां? जनाब, जहां जहां जाइएगा वही हमें पाइएगा। बाय द वे, मेरी आपसे गुजारिश है, यहां पर कोई मिस्टेक मत कीजिएगा, वरना। करेक्ट, अब आई गया हूं तो कोई मिस्टेक नहीं करूंगा, वरना 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 क्या करेंगे आप? भाई, हम जो करते हैं बताते नहीं। हाँ, एक बार चेतावनी देकर आगाह जरूर कर देते हैं। अगर तुम जैसा कोई मुजरिम फिर भी अपनी हरकतों से बाज ना आए तो फिर हम उसे दूसरे तरीके से समझाते हैं। अब ये मत पूछना दूसरा तरीका क्या है। आपकी जानकारी के लिए एक बात बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। जुर्म के जितने तरीके आपने कभी सुने भी नहीं होंगे ना, उतने मैं आजमा के बैठा हूं। और रही बात मेरे पकड़े जाने की, तो मुझे पकड़ना मुश्किल ही नहीं, वो क्या कहते हैं, नामुमकिन भी है। मान लेते हैं, तुम्हें अपने आप पे बहुत कॉन्फिडेंस है, एंड व्हाई नॉट, होना भी चाहिए। थैंक यू। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, जिस दिन तुम मेरे चंगुल में फंस गए उस दिन जिंदगी भर तड़पते रहोगे, बाहर नहीं निकल पाओगे। अच्छा, अगर मैं चाहूं तो तुम्हें अभी इसी वक्त गिरफ्तार कर सकता हूं, क्योंकि अनजाने में सही तुमने अभी अभी एक जुर्म किया है। कौन सा जुर्म? ये क्या? 5-0-0 Exactly. 500 मीटर की रिस्ट्रिक्शन को तोड़ने का जुर्म किया है। जिस तरह रोहित बजाज को तुम्हारे 500 मीटर के दायरे के आसपास नजर नहीं आना चाहिए, ठीक उसी तरह तुम्हें भी रोहित के बंगले के 500 मीटर के आसपास नजर नहीं आना चाहिए। लेकिन तुम अंदर आ चुके, एंड दैट इज योर मिस्टेक। एक्सक्यूज मी, योर कार इज दैट साइड। स्मार्ट। भाभी, आप इतने चुप क्यों हो? कुछ बात क्यों नहीं करते? क्या बोलूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक काम कीजिए, आप एलसीडी पर कोई मूवी देख लीजिए, वरना आप बोर हो जाओगे। ठीक है, लगा दो। क्या हुआ नेहा? भाभी, क्या हुआ? भाभी, क्या हुआ? डैडी को मार डाला। किसे मार डाला है? क्या हुआ? वो मार डाला। किसे? वो मार डाला डैडी को। ये उसी हरामजादे विकी का फोन है। हरामजादे! अबे चुप! देख, तेरी बीवी के बाप को तो मैं मार ही चुका हूँ।
तूने मुझसे मेरी जिंदगी छीन ली, अब मैं तुझसे तेरी छीन लूंगा। और अब तेरी बारी है। अबे डफर, बीवी दूसरी आ जाएगी लेकिन लाइफ दोबारा नहीं आएगी। अगर मुझे नेहा का ख्याल नहीं होता तो मैं कानून इसी वक्त अपने हाथ में ले लेता। अबे अंधा कानून मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देख, मैंने इंस्पेक्टर खान के साथ साथ उसके खबरी नाना को भी टपका दिया। वो साला मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। वो सीढ़ी दिखा के वही वही तेरे ससुर के कत्ल की। तू वही रुक, मैं अभी आता हूँ। हाँ आ जा, जल्दी आ जा। हाँ जल्दी आ जा, अब तेरी बारी है, मालूम है तुझे। जल्दी आ जा, आई एम एक्साइटेड। भैया नहीं, प्लीज आज मुझे रोकने की कोशिश मत करना भैया। हेलो पुलिस स्टेशन सर, वो रोहित का फोन आया था अभी सर। वो कह रहा था मैं तुझे मार दूंगा जान से सर, घर आ रहा है सर। सर मैंने सब दरवाजे खिड़कियां अच्छी तरह से बंद कर लिए सर। सर मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं शरीफ आदमी हूँ, मुझे बचा लीजिए सर। सर आप आ रहे हैं ना सर, प्लीज सर, वो गाली वाली दे रहा था सर। सर आप आ जाइए। सर मुझे रिवॉल्वर चाहिए, मेरा पेशेंस खत्म हो चुका है, मैं उस हरामजादे को जान से मार दूंगा। ठीक है, हेलो। और हाँ, उम्र कैद की सजा काटने के लिए भी तैयार रहना। देखो भैया, मुझे तुमसे पूरी हमदर्दी है, पर जरा सोचो रोहित, अगर तुम उस विक्की को गोली मार दोगे तो उसके बाद तुम्हारी बीवी और बहन का क्या होगा? सोचा है तुमने? हाँ? कुछ सोचा है? तो क्या करूं मैं? आपको जितने पैसे चाहिए मैं आपको दूंगा। Just kill that bastard! पैसा? तुमसे किसने कहा कि ये केस मैं पैसों के लिए लड़ रहा हूं? अरे यार, मैंने इंस्पेक्टर इकबाल खान से वादा किया था इसलिए। और तुम प्लीज आगे से पैसों की बात मत करना, समझे? आई एम सॉरी सर, मैं बहुत परेशान हूं। विक्की घर में कब आता है कब जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। आज उस हरामजादे ने ये सीधी गाड़ी में लगा दी, इसमें नेहा अपने पापा को मरते देख उसकी हालत बहुत खराब है। ये सीडी, ये निशान देख रहे हो? ये सीडी तो वही है जो हमारा खबरी नाना इंस्पेक्टर इकबाल को देना चाहता था। अरे रोहित, ये एविडेंस है, अब हमारे हाथ में एविडेंस है। कोई फायदा नहीं सर। क्यों? उस हरामजादे ने अपनी शक्ल सीडी से मिटा दी है। लगता है अब पानी सर के ऊपर से निकल गया। अब क्या है रोहित, जब शरीर का कोई हिस्सा सड़ने लगता है ना, उसे काट कर फेंक दिया जाता है, शरीर के सड़ने का इंतजार नहीं किया जाता। मेरे पास एक प्लान है। प्लान? कैसा प्लान? विक्की को पॉइंट ब्लैंक रेंज पर गोली मार के खत्म करने का प्लान। मुझे क्या करना होगा? तुम्हें काम करना, कल सुबह तैयार होकर अपने सामान के साथ घर से सीधा एयरपोर्ट की तरफ निकलना। बकायदा घर वालों को बाय बाय करना, उसको लगना चाहिए कि तुम बॉम्बे से बाहर जा रहे हो, और तुम्हें वो देख रहा होगा तो वो पागल कुत्ता घर पर जरूर आएगा। और जब वो घर आएगा उस वक्त वो मेरे पॉइंट ब्लैंक रेंज पर होगा। जल्दी चलो वरना फ्लाइट छूट जाएगी। कम ऑन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आपकी रिटर्न टिकट कब की कंफर्म करानी है? 2 दिन के बाद की। थैंक यू। थैंक यू। Come in. मिस्टर श्रीधर, दरवाजा नॉक करने से पहले ही आपको कैसे पता चल गया कि हम आ गए हैं? जिस तरह कुछ लोग उड़ते हुए पंछी के पर काट देते हैं, उसी तरह जब मैं कोई केस अपने हाथ में लेता हूं तो उस केस से कनेक्टेड तमाम लोगों की यादें अपनी आंखों के कैमरे में कैद कर लेता हूं। जैसे
तुम लोगों के कदमों की आहट से मुझे पता चल गया था कि तुम लोग घर के अंदर घुस आए हो। अभी तुम लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैंने इस घर की हर खिड़की हर दरवाजे पर इस तरह का सिस्टम लगा दिया है कि अगर विक्की गलती से भी किसी दरवाजे किसी खिड़की को टच करेगा तो ये अलार्म अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा। वाओ, उसका मतलब ये है कि अगर विक्की यहाँ कदम रखेगा तो उसका हमें पता चल जाएगा। ग्रेट। सिर्फ पता ही नहीं चलेगा, वो पकड़ा भी जाएगा। यस, अब बताइए हमें क्या करना है? इंतजार, क्योंकि विक्की ये सोच रहा होगा कि रोहित की फ्लाइट तो उसे इस वक्त शहर से बहुत दूर लेगी होगी और इस घर में संजना और तुम अकेली होंगी। अपने शिकार की तलाश में भेड़िया पहुंचता ही होगा। करने दो मिस्टेक। आप लोग यहां क्या कर रहे हो? अकेले में डर लग रहा था। डर लग रहा? तो फिर गाना वाना होना चाहिए ना। बाकी तुम डरे हुए लग रहे हो। डर को भगाने के लिए माइंड रिलैक्स होना चाहिए। चलो मैं तुम लोगों को एक सड़ा हुआ जोक सुनाता हूँ। प्लीज कोई जोक्स वोक्स नहीं, कोई लव स्टोरी सुनाइए। लव स्टोरी हम लोगों की? अरे पुलिस वालों की कहाँ लव स्टोरी होती है। कभी तो आपने किसी से प्यार किया होगा। प्लीज कम ऑन। अरे यार प्लीज। ओके ओके ओके। अरे भैया मैंने भी अब क्या बताऊं, अपनी जिंदगी में एक ही बार प्यार किया, अब वो मेरा पहला प्यार है कि आखिरी, इसका फैसला तुम करना। ओके। हुआ ये कि एक मुस्कान नाम की एक लड़की मेरी जिंदगी में आई। मुस्कान नाम की एक खूबसूरत लड़की मेरी जिंदगी में आई, मगर आई और चली गई, कहानी खत्म। अरे हाँ? ऐसे कैसे हो सकता है, वो चली क्यों गई? मेरी मिस्टेक से। लगता है सर मिस्टेक से आपकी लाइफ में बहुत मिस्टेक हुई है। अरे भैया मिस्टेक से हमें पता चला कि मुस्कान को चाहने वाला एक आशिक और भी है, और मिस्टेक से वो भी मेरी तरह बॉक्सर है। अरे वाह। अब आप ही बताइए कि एक मायान में दो तलवारें कैसे रह सकती हैं। तो फिर हम दोनों ने फैसला किया कि हम दोनों एक बॉक्सिंग का कंपटीशन करते हैं, उसमें से जो जीतेगा मुस्कान उसे वो ले जाएगा। तुमने ठीक कहा। आई एम श्योर आपने उस मजनू को एक पंच मारा होगा और वो जमीन पे फ्लैट। अरे कहां भैया, मिस्टेक से उसने मुझे सुला दिया। हाँ? क्योंकि जब मैंने उसे पंच दिया ना, वो चलाने से पहले मुस्कान जोर से चलाई, मत मारो उसे मत मारो उसे। अरे तब मुझे रियलाइज हुआ मुस्कान मुझे नहीं उसे प्यार करती है। मेरे पास मार खाने के सिवाय कोई चारा नहीं था। ये है मेरी लव स्टोरी। बॉम्ब इन 5 मिनट्स। चलो यहाँ से। अरे रुको रुको। हाँ चलो चलो। यही तो वो चाहता है कि तुम सब लोग बाहर निकलो और उसे पता चले अंदर कितने आदमी हैं। तुम लोग ऊपर जाओ जाओ जाओ। प्लीज गो गो। शांता भाई अगर चाय बना रहे हैं तो एक प्याला मेरे लिए भी बनाना, जरा शुगर कम डालना। आ! आ!
कमरे में जाओ, दरवाजा बंद करना, बाहर मत निकलना। मैंने कबाड़ खोला और ये मेरे ऊपर। ये तो शांता भाई है ना? जी। तो फिर नीचे मुझे चाय कौन बना के दे रहा था? क्या हुआ? शांता भाई। She's no more. नेहा कहाँ है? नेहा को मैं उसी कमरे में लॉक करके आया हूँ। विकी इज़ हियर। तू जाना मत, यहीं रुकना, यहीं पे। मैं देखता हूँ भैया, मुझे डर लगता है भैया, प्लीज मुझे अकेले छोड़ के मत जाइए भैया। ठीक है भैया, मैं भी चलूंगी। सर, सर क्या हुआ, क्या हुआ ये? सर, सर क्या? विकी, विकी, विकी को भी गोली लगी। मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। आ गई तुम? बहुत प्यारी लग रही हो। नहीं नहीं, वो मैंने चेंज नहीं किया, वो तो दाई आई थी, उन्होंने ही चेंज किया। हाथ मत लगाना। ऐसे क्यों डर रही है पागल? ये गोली तो उन्होंने मार दी, ये तो ठीक हो जाएगी, तो डर मत। मैं तुझे एक चीज दिखाता हूँ। पहचाना, ये माँ ने तेरे लिए
कब से संभाल के रखा हुआ। वो तो मर गई लेकिन वो चाहती थी कि मंगलसूत्र मैं तुझे पहनाऊं। तुम समझते क्यों नहीं हो, मैं शादीशुदा औरत हूँ, मैं ये मंगलसूत्र नहीं पहन सकती। तू पागल समझती मुझे है ना। अरे शोना, ऐसे थोड़ी ना शादी करूंगा तुझसे, ऐसे थोड़ी ना मंगलसूत्र पहनाऊंगा। पहले फेरे लूंगा, मांग में सिंदूर भरूंगा, फिर पहनाऊंगा ना तुझे। छोड़ दो, मुझे पागल ही समझ। छोड़ दो विकी, चल चल शादी कर ले, चल पागल। छोड़ दो, मैं किसी की पत्नी हूँ। छोड़ दो विकी। रोको 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 साहब, साहब रघु, तुम्हारी हालत किसने की? विकी ने साहब। विकी साहब, नेहा मैम साहब को बचा लो साहब, वो उन्हें गोकुलधाम के खंडहरों की तरफ ले जा रहा है। मैंने रोकने की कोशिश की तो उसने मुझे घायल कर दिया साहब। साहब नेहा मैम साहब को बचा लो, मैं अपने पापा को प्रायश्चित करना चाहता हूँ। तुम फिक्र मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। संजना, तुम इन्हें हॉस्पिटल लेके जाओ, मुझे नेहा को बचाना है। जी बाबा। ठीक है। छोड़ दो विकी, मुझे छोड़ दो विकी, प्लीज छोड़ दो, मैं तेरी पैर पड़ती हूँ, छोड़ दो विकी, ये गलत है विकी, प्लीज मुझे छोड़ दो। छोड़ दो विकी, ये क्या कर रहे हो विकी, मैं किसी की पत्नी हूँ, प्लीज छोड़ दो। अच्छा हुआ इंस्पेक्टर साहब आप यही मिल गए। यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर रोहित, खबरी नाना और इंस्पेक्टर खान को मारने के जुर्म में मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। मैंने कुछ नहीं किया। मैं जानता हूँ ये काम विकी का है, लेकिन अब इल्जाम तुम पर आएगा। आप ले चलो इसे, ले चलो इसे। अरे पकड़ो, अरे पकड़ो। आराम से चोट लग जाएगी। आज बंद हो चुका है विकी, अभी भी वक्त है, सरेंडर कर दो। कोई गोली नहीं चलाएगा जब तक मैं नहीं कहूंगा, कोई गोली नहीं चलाएगा। पीछे रहिए सब लोग, पीछे पीछे पीछे, कोई गोली नहीं चलाएगा। देखो विकी, यहां पर गोली मत चलाना, यहां सबकी उंगलियां इस वक्त ट्रिगर पर, इतनी गोलियां चलेंगी कि तुम्हारा सीना छलनी कर दिया जाएगा, मरे जाओगे तुम।
मेरी बात को सुनो ध्यान से। मैं तुम्हें कोई वार्निंग नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, देखो गोली मत चला लो उसमें। उसका क्या कसूर है? मेरी बात को ध्यान से सुनो, अभी भी तुमको मौका दे रहा हूँ मैं। नेहा, हट जाओ, मुझे जाने दो, छोड़ दो, छोड़ो मुझे, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, हराम साथे, छोड़ो मुझे। रोहित, रोहित आगे मत चलो, मैं तुझे जान से मार दूंगा। कोई भी आगे आया तो नेहा को जल्दी मार दूंगा। छोड़ो, कितनी गलतियां करोगे तुम? ये तुमने रोहित का घर बर्बाद किया। ये संजना का क्या कसूर था? तुमने मुझे जख्मी किया, खान का कत्ल किया तुमने। मैं तुम्हें फिर भी बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं तुम्हारी मदद करूंगा विक्की, मेरा विश्वास करो। यहाँ को छोड़ दो, छोड़ दो, मारे जाओगे नहीं तो। मैंने नफरत से मोहब्बत को जीतने की कोशिश की, रेत की दीवारों पर घर बनाने की कोशिश की, लेकिन रेत की तो दीवार ही नहीं होती ना। अभी भी वक्त है, अपने आप को सरेंडर कर दो विकी, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं तुम्हारे बिना जी सकता हूँ? जाओ, मुझे माफ कर देना।
कहा था ना, जहां जाइएगा हमें पाइएगा। खान साहब, आपका अधूरा काम पूरा हुआ। आधा वर्ष